खादी केवल वस्त्र नहीं एक विचारधारा है, वह भारत देश की प्राचीन संस्कृति है। महात्मा गांधी जी ने खादी का पुनरुद्धार इसलिए किया था कि देश में हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर अपना खुद का बनाया हुआ कपड़ा पहने। भारत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी तरक्की की है, कई तरह के फाइबर जैसे एक्रिलिक, बेल्जियम इत्यादि आ गए हैं, लेकिन फिर भी खादी का अपना स्थान है और इसने भारत में काफ़ी उन्नति की है। ये बात माउंट लिट्राजी स्कूल के बच्चों ने खादी बाजार प्रदर्शनी में सीखी। बच्चों में खादी और खादी ग्रामोद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माउंट लिट्राजी स्कूल द्वारा खादी हाट बाजार ले जाया गया। यहाँ बच्चों को खादी के बदलते ट्रेंड, आज़ादी के पहले खादी फॉर नेशन था और अब खादी फॉर फैशन के बारे में स्टूडेंट्स को अवगत करवाया गया। प्रदर्शनी के संयोजक पंकज दुबे ने बताया कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन खादी के वस्त्र पहने, पहनावे का विचार पर बहुत फर्क पड़ता है और खादी के वस्त्र पहनकर आप खुद अलग अनुभूति महसूस करेंगे और आपकी मन स्थिति में अंतर महसूस होगा। खादी में कोई मिलावट नहीं होती, ये एक नेचुरल फाइबर है, उसमें किसी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं होता है। बच्चों ने ग्राम उद्योग को समझा और मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा और कुछ बर्तन भी बनाए। चरखा चलाना और सूत बनाने की प्रक्रिया को भी बच्चों ने इस दौरान जाना। माउंट लिट्राजी स्कूल के प्रिंसिपल धर्म वर्मा ने बताया कि बच्चों ने किताबों में तो महात्मा गांधी और खादी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उन्हें वास्तव में खादी से परिचय कराने के लिए उन्हें खादी बाजार ले जाया गया, जहां उन्होंने खादी के बारे में जाना। माउंट लिट्राजी स्कूल के स्टूडेंट्स ने यहाँ खादी उद्योग के बारे में काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसका आनंद लिया। आज़ादी के पहले खादी नेशन के लिए था और अब अपने देश की इस विरासत को फैशन के रूप में आप और विकसित कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।